नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही खास वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मोटर कैसे पता करे कि कितने फिट तक चल सकता है, कितना नीचे तक चल सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबको ये लगता है कि मोटर जो होता है वो नीचे चलता है एचपी के हिसाब से, कि जितना ज़्यादा एचपी उतना ज़्यादा नीचे चलेगा, लेकिन इसका बिल्कुल भी नहीं है। मोटर का इससे कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन है लेकिन कम है। जो मेन चीज़ है वो है पंप, क्योंकि पंप ही पानी को उठाता है। पंप का स्टेज है, पंप का एम्पेलर है, जो कि पानी जो कि बताता है हमको कि मोटर कितना नीचे तक चलेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे तीन डायग्राम बनाए हैं, 1 2 3, ठीक है। तो मोटर जो है वो कई तरह का होता है, जैसे कि V3 है, V4 है, V6 है, V8 है। तो इसका मतलब V3 है जो बारीक मोटर है, थोड़ा सा बारीक मोटर है, एम्पेलर भी उस पंप भी उसका बारीक है, पतला है मतलब, ठीक है। और V4 है वो 4 इंच के आसपास का है, बोर का है। तो V6 उससे बड़ा है, V8 उससे बड़ा है। तो इस साइज के हिसाब से आते हैं मोटर, बाकी सभी मोटर सेम है। समर्सिबल की आज मैं बात कर रहा हूँ, समर्सिबल मोटर्स की। तो मैंने यहाँ पे तीन पंप के डायग्राम बनाए हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन पंप हैं, जैसे कि है, पहला हमारा V4 है, V6 है, ठीक है, और ये भी हमारा V6 ही है। V8 की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, V3 की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब, हमारा मकसद है आपको सिर्फ समझाना, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तीन तरह के पंप हैं, इनमें तीन अलग अलग तरह की नीचे मोटर हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो V6 के दो पंप हमने लिए हैं, एक V4 का लिया है। V4 का होता क्या है, हमने छाप तो बराबर रखे डायग्राम, लेकिन पंप जो होता है पतला होता है, एम्पेलर छोटे होते हैं, इनमें एम्पेलर बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V6 है, दो V6 मोटर हैं, एक V4 है। तो यहाँ पे मोटर भी वही लगेगी, V6 लगेगी, यहाँ पे V4 लगेगी V4 पंप में, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर है, मान लीजिए एक है टेक्समो मोटर, मान लीजिए एक टेक्समो मोटर है, यहां पे है CRI 7.5 HP की है, ये भी 7.5 की है, जो टेक्समो वाली है ये भी सेम है, ठीक है। और यहां पे कोई और कंपनी की मोटर है मान लीजिए, लेकिन यहां पे मोटर अलग हो जाती है, मान लीजिए CRI है, ठीक है, V4 पंप है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि V4 में आप मान लीजिए ये 6 HP की मोटर है, ठीक है। V4 मोटर जो है 6 HP की है CRI की, और V4 6 HP की है, और V6 है वो 7.5 HP की है, दोनों V6 में, ठीक है। तो ये पंप बना दिए मैंने, इनके नीचे मैंने लिख दिया है कि ये मोटर इनके नीचे लगी हुई है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये दो पंप हैं V6 के, दोनों के अंदर आपने बराबर एम्पेलर लगा रखे हैं, ठीक है। मैं इसमें एम्पेलर सेट कर देता हूं। तो मेन जो बात होती है वो स्टेज के ऊपर होती है, कि कितनी स्टेज बन रही है, ठीक है। ज़्यादा नीचे तक अगर आपको मोटर चलानी है, पंप चलाना है ज़्यादा नीचे तक, ज़्यादा गहराई तक, तो आपको क्या करना है कि स्टेज आपको ज़्यादा स्टेज का पंप चाहिए होगा, ठीक है, ज़्यादा स्टेज का पंप चाहिए होगा। तो आपने सुना होगा कि देखिए 5-8 की मोटर है, 5-8 की मोटर का मतलब है कि 5 HP और 8 का उसका पंप है,
ठीक है, जैसे बोलते हैं 3-8 की मोटर है, 3 HP मोटर 8 का पंप हो गया, या बोलते हैं 7.5-12 की मोटर है, 7.5 HP की मोटर और 12 का पंप, या बोलते हैं 7.5 HP की मोटर है, 16 का पंप है, 7.5-16 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7.5 की मैंने मोटर बनाई है दो, या बोलते हैं 8-16 की मोटर, 8-16 की मोटर है, इसका मतलब है 8 HP मोटर 16 का पंप, या बोलते हैं 10-11 की, तो 10 की मोटर 10 HP की, 11 का उसमें पंप है। तो यहाँ पे 7.5 HP की दोनों मोटर है यहाँ पे, जो मैंने V6 के लिए बनाए हैं, और यहाँ पे 12-12 स्टेज की हमने पंप लिए हैं, 12-12 की, ठीक है। तो इसमें स्टेज में बना देता हूँ, पहले V6 से शुरू करते हैं। एक पंप, एक एम्पेलर ये हो गया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12, यहाँ पे 12 एम्पेलर हमने डाल दिए हैं, ठीक है। इस वाली में भी हम 7.5 वाली में भी पंप में डाल देते हैं, 7.5 वाले पंप में, V6 में, दूसरे में। ठीक है दोस्तों, एक है V4 मोटर, V4 पंप है, 6 HP की हमने मोटर यहाँ पे लगा रखी है, तो ये भी 12 का ही हमने बना दिया है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, पहले आपको मैं बता दूं कि पानी जो उठाने का जो मेन चीज है वो है पंप। अगर यहाँ पे मान लीजिए 7.5 की मोटर है और यहाँ पे 12 एम्पेलर लगे हुए हैं, 12 का स्टेज का पंप है, अगर आप 7.5 HP से ऊपर अगर 10 HP मोटर यहाँ पे जोड़ेंगे तो फर्क क्या होगा, पानी थोड़ा सा बढ़ेगा, हल्का सा बढ़ेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 7.5 HP की मोटर से आप चला रहे हैं ये पंप 12 स्टेज का, इससे अगर कम की मोटर लगाएंगे, मान लीजिए आपने 6 की लगाई, तो भी उतना ही पानी मिलेगा, पानी पे बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बात यह है कि मोटर जो है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है पानी का, मोटर आप छोटा भी लगा दो बड़ा भी लगा दो, लेकिन मेन चीज जो होता है वो पंप होता है। पंप के ऊपर है कि पंप कितनी कैपेसिटी पंप की बनती है, कहाँ तक कितने स्टेज का पंप है, जितनी ज्यादा स्टेज उतना ज्यादा नीचे तक पानी, जितना कम स्टेज उतना ज्यादा पानी, मतलब मोटर है जितने आप इसके स्टेज कम करते जाओगे उतना पानी तो मोटर ज्यादा देगी पर कम ऊंचाई तक देगी, ठीक है। और स्टेज बढ़ा दोगे तो पानी तो थोड़ा कम आएगा लेकिन नीचे से मतलब ज्यादा गहराई से पानी मोटर देगी, तो ये सिस्टम होता है। अब देखिए, अब ये कैसे पता करें कि भाई कौन सी मोटर को देखकर, उसको पंप को देखकर कि कितना पानी ये देगी, ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पे 12-12 मैंने सभी में सेट कर दिए इम्पेलर, तो एक V6 मोटर है, V6 मोटर है, इसका ये एक एम्पेलर है ये वाला पहला, ठीक है, V6 इसका एक का पावर है, एक एम्पेलर का पावर है 30 फिट, 30 फिट, यानी कि एक एम्पेलर जो है वो 30 फिट तक पानी देता है, तो 2 60 फिट तक देंगे, ऐसे ही करके यहां पे 12 एम्पेलर लगे हुए हैं, 12 स्टेज की मोटर ये बनती है दोस्तों, ठीक है। इस V6 में 30 के हैं, तो सभी 30 30 के हैं, 30 30, ठीक है। सभी एक एक एम्पेलर, प्रत्येक एम्पेलर 30 फीट तक कार्य करता है, पानी देता है। अब इनको टोटल, आप टोटल इनका कर देंगे हम कि कितने का बना है, ठीक है, इनको प्लस करके। यहां पे एक दूसरा एम्पेलर है, ठीक है, सेम पंप है लेकिन एम्पेलर का फर्क हो गया, एक तो 30 फीट पानी दे रहा है एक एम्पेलर, एक दे रहा है 50 फीट, ठीक है, इस मोटर के जो है वो 50 फीट तक देते हैं, ठीक है।
ये V6 मोटर है, दोनों सेम मोटर थी 7.5 HP की, कंपनी का अलग फर्क हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे एक एम्पेलर है जो कि थोड़ा छोटा है इस वाले से, इसका थोड़ा बड़ा है, 50 फिट तक देता है पानी। एक एम्पेलर यहाँ पे 30 फिट का एक एम्पेलर पानी देता है। यहाँ पे आ गया है V4 पे, अब V4 पे आ जाते हैं। तो V4 का एक एम्पेलर है वो ओनली 15 फिट तक ही पानी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 फिट के तक ही पानी देंगे सभी। ठीक है, तो V4 का 12 स्टेज है, V6 का 12 स्टेज है, V6 का सेकंड का 12 स्टेज है। तो दोस्तों देखिए फर्क क्या है, एम्पेलर में फर्क है। V4 का एम्पेलर जो है वो छोटा है, छोटा एम्पेलर यहां पे मैं बना देता हूं, मान लीजिए इतना सा है। ठीक है, ये 15 फिट तक पानी देता है एक एम्पेलर। यहां पर V6 है, इससे बड़ा है। ठीक है, यह 50 तक पानी देता है, और ये वाला 30 वाला है, ये थोड़ा सा मीडियम में लगा लो, इससे भी छोटा, इस 50 वाले से भी छोटा। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ा एम्पेलर सबसे ज्यादा फिट तक पानी देता है। ठीक है, तो एम्पेलर का जो फर्क होता है ये मेन चीज होती है। अब देखिए V4 मोटर हमारे पास, V4 मोटर है, टोटल कितने एम्पेलर लगे हैं, 12 स्टेज की मोटर, 12 एम्पेलर लगे हैं, एक एम्पेलर पानी देता है 15 फिट तक। तो 15 गुने में कितने करेंगे आप, 12 आपको करने हैं, क्योंकि 12 एम्पेलर है और 15 फिट तक पानी देता है, तो टोटल कितने फिट बने, टोटल आप इसका जब प्लस करोगे सबका तो बनेगा आपका 180 फिट। तो ये पंप जो है V4 का टोटल 180 फीट तक पानी देगा 12 एम्पेलर से। अगर आपको ज्यादा पानी दिलाना है और ज्यादा गहराई तक, तो आप इसके पंप के एम्पेलर को बढ़ा सकते हो, या आपकी मोटर ऊपर है कम फिट पे आप पानी चाहते हैं तो इसके एम्पेलर्स को घटा सकते हो। ठीक है, अगर इसमें और बहुत ज्यादा एम्पेलर आप लगाएंगे तो पानी तो देगी मोटर, लेकिन पानी कम देगी, पर पानी गहराई से आपको दे देगी, ज्यादा गहराई में भी मोटर आपको दे देगी। लेकिन अगर आपको पानी 180 इससे कम दिलाना है तो इसके एम्पेलर को घटा दो, उससे फायदा ये होगा कि पानी बहुत ही ज्यादा देगी। जितने कम एम्पेलर करोगे, जितनी कम स्टेज करोगे मोटर की, कम एम्पेलर करोगे पानी ज्यादा देगी, लेकिन ऊंचाई पर देगी, नीचे नहीं देगी। जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतने ज्यादा मोटर नीचे पानी देगी, तो ये सिस्टम होता है। तो V4 इस मोटर का 180 फीट का चलता है, क्योंकि यहाँ पे 15 इसकी पावर है 15 फीट तक। यहाँ पे बात करते हैं V6 की, तो यहाँ पे एक एम्पेलर है जो कि 50 फीट तक चलता है, और टोटल 12 स्टेज का पंप है। तो यहाँ पे इनको टोटल करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 600 फीट तक ये काम करेगा, ये वाला पंप है। अब इसी तरह से इसके अंदर, इस वाले पंप के अंदर जो है वो 30 का एक एम्पेलर है, 30 एक एम्पेलर 30 फुट तक चलने वाला है। तो 30 को हम 12 से करेंगे, क्योंकि 12 एम्पेलर है, 12 स्टेज की मोटर है, तो आएगा 360। ये जो पंप है वो 360 तक चलेगा। तो देखिए फर्क क्या हुआ, यहाँ पे 7.5 HP की मोटर है, यहाँ पे भी 7.5 की मोटर तो बराबर है, लेकिन पानी का तो फर्क पड़ गया ना, ये ज्यादा, ये 600 फीट तक उठा लेगा ये पंप, ये वाली मोटर 600 तक उठा लेगी, और ये 360 तक ही उठा पाएगी। ठीक है, ये 360 तक ही उठा पाएगी, तो ये होता है फर्क, ये 180 फीट तक ही उठा पाएगी V4। इस तरह से आप V8 का भी निकाल सकते हैं। बात होती है कि जो एम्पेलर है वो कितने, जो पंप में जो एम्पेलर लगा है वो कितने फिट तक का है, उसी हिसाब से आप पंप को बना भी सकते हो, अंदाजा भी लगा सकते हो कि कितने तक मोटर चलेगी। मोटर को देखकर, पंप को देखकर, जो कंपनी बताती है ना
उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फंडा है इस तरह से। आप मोटर जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने 6 HP की यहाँ पे लगाई थी मोटर V4 में, तो इस मोटर को अगर आप 5 की कर देते हो या 3 HP की कर देते हो तो भी पानी उतना ही देगी। थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे HP कम करने पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है और HP बढ़ाने पे थोड़ा पानी ज्यादा देती है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो सारा काम जो है वो पंप का है, सारा कार्य पंप करता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों। तो आप इसको देखकर, एम्पेलर को देखकर ये पता कर सकते हो कि पंप की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। स्टेज को देख के पता कर सकते हो कि कितना पानी देगी। अब देखिए यहाँ पे V6 मोटर है, दोनों के V6 पंप है, लेकिन फर्क हो गया किसका, सिर्फ एम्पेलर का फर्क यहाँ पे हुआ है। एक की कैपेसिटी है 30 फीट, एक की 50 है, ऐसे ही एक की 40 होती है, एक की 50 से ज्यादा भी होती है। और V8 मोटर होती है, V8 और भी बड़ी मोटर है, इससे और भी चौड़ी है, उसके और भी ज्यादा ताकतवर एम्पेलर होते हैं, बड़े एम्पेलर होते हैं, वो और भी ज्यादा ताकत लगाती है। V4 ज्यादातर चलने वाली 3 ही मोटर है, V3 मोटर आती है, उसके एम्पेलर और भी छोटे होते हैं, और भी पतली मोटर वो होती है। तो इस सबमर्सिबल मोटर के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि एम्पेलर की जो पावर होती है वही मेन होती है, उसी से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप नया पंप खरीदते हैं तो उस पर लिखा भी होता है, उसके साथ जो डिटेल्स दी होती है उसमें कंपनी डिटेल देती है, तो उसमें बताती है कि हमारे इस पंप के 1 एम्पेलर की पावर ये है, इतने फिट तक एम्पेलर चलेगा। उससे आप आइडिया, उससे आप पता कर सकते हैं कैलकुलेशन करके कि मोटर के अंदर कितने स्टेज लगाए गए हैं, कितने एम्पेलर लगाए गए हैं, मोटर कितनी नीचे तक चल सकती, कितनी गहराई तक चल सकती है। दोस्तों ये फर्क होता है, थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो एक अलग पेज पे थोड़ा सा समझाता हूँ। बहुत से लोग दिमाग में बैठा लेते हैं कि मोटर है, मोटर ही मेन चीज है, लेकिन यहाँ पे पंप ज्यादा कार्य करता है, पंप ही मेन चीज है, पंप ही ज्यादा गहराई, पंप ही के स्टेज से ही बनती है कि कितने मोटर कितने नीचे तक चलेगी, कितने स्टेज वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से, अगर समझ में कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। V4 मोटर है, ठीक है, 3 15 की मोटर है, एक 5 20 की मोटर है, एक 5 25 की मोटर है, एक 6 30 की मोटर है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो 3 15 यानी कि 3 HP की मोटर, यहां पे 15 का पंप स्टेज का, ठीक है, ये स्टेज है पंप की, ये HP है मोटर की। इस तरह से एक मोटर है V6, 5 8 की मोटर, 5 8 की, 6 10 की, 7 12 की, ठीक है, 7 12 की हो गई। एक V6 और है, 5 8 की है, 6 10 7 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये HP है और ये पंप है, ये स्टेज है, स्टेज पंप की स्टेज है, ये HP है, ठीक है। अब देखिए V4 मोटर है, 3 15 की, 15 की है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटी जो है V4 की, जो कैपेसिटी है 1 एम्पेलर की है 15 फिट, ठीक है। एक V6 है उसकी है 50 फिट, दूसरी V6 है उसकी है 30 फिट एम्पेलर की कैपेसिटी। तो यहां पे करना क्या है, 3 15 की अगर मोटर है तो 15 स्टेज का जो पंप है, ठीक है, उसके एम्पेलर से, पंप की स्टेज और एम्पेलर की पावर दोनों को आप गुणा कर दो,
तो यहां पे है एम्पेलर की पावर है 15 और गुणा में इसकी स्टेज कर सकते हो, ये जो स्टेज है ये कर देनी है, स्टेज 15 स्टेज का है। ठीक है, यहां पे आता है 225 फीट। ठीक है, तो 225 फीट तक ये चलेगा, 3 HP 15 स्टेज। ठीक है, अब करते हैं, अब लेते हैं 5 HP 20 स्टेज को, तो इसके भी एम्पेलर की यहां पे 15 की ही पावर है, तो 20 गुणे में 15 किया जाती 300 फुट, तो 5 HP और 20 स्टेज, 5 HP की मोटर 20 स्टेज का पंप चलेगा 300 फीट तक। ठीक है, एम्पेलर की पावर सेम है यहाँ पे V6 में। अब लेते हैं 5 HP मोटर 25 का पंप। ठीक है, तो यहाँ पे 25 गुणा में 15 आपको कर देना है, तो आते हैं 375 फीट। ठीक है, 5 HP की मोटर 25 स्टेज का पंप यहाँ पे चलेगा 15 की पावर के साथ 375 फीट तक। अब लेते हैं 36 को, जहाँ पे 6 HP की मोटर है, 30 स्टेज का पंप है, 30 गुणा में 15 यानी कि एम्पेलर पावर। ठीक है, 15 फीट तक है एक एम्पेलर की पावर, तो यहाँ पे आता है 450 फीट। तो ये 6 HP की मोटर 30 का अगर यहाँ पे लगाया जाए पंप तो चलेगी 450 फीट तक। अब आते हैं V6 की तरफ, तो V6 की मोटर है और यहाँ पे 5 HP की मोटर है, 8 स्टेज का पंप है, 8 गुना में यहाँ पे एम्पेलर की जो पावर है वो 50 फीट तक है, तो ये चलेगा 400 फीट। ठीक है, तो 5 HP की मोटर और 8 स्टेज का पंप चलेगा 400 फीट तक यहाँ, क्योंकि एम्पेलर की पावर 50 फीट तक है एक की। और यहाँ पे 6 HP की मोटर है, 10 स्टेज का पंप है, तो 10 गुणे में 50 500 फीट तक ये चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 की मोटर है, 7 HP की, 12 का ठीक है स्टेज है, पंप है, तो स्टेज को हम करेंगे एम्पेलर की पावर से, तो यहाँ पे आता है दोस्तों 600 फीट तक। तो एक V6 मोटर है, इसका 600 फीट तक ये चलेगी। अब अगली V6 मोटर के बारे में बताते हैं, एक V6 मोटर है जिसका जो एम्पेलर है 8 स्टेज के पंप में, 10 स्टेज के पंप में, 12 स्टेज के पंप में, उसकी पावर है 30 फीट सिंगल की। तो यहाँ पे 5 की मोटर 8 का पंप, 8 के साथ हम करेंगे 30 को गुणा, तो यहाँ पे निकल आएगा 240 फीट। ठीक है, उसके बाद 6 की मोटर 10 का पंप, तो 10 गुणा में 30 300 फीट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 7 की मोटर 12 का पंप, 12 गुणा में 30 हम यहाँ पे करेंगे 360 फिट। तो इस तरह से मोटर यहाँ पे देखिए V6 है, ये भी V6 है, यहाँ पे सेम है, 5 की मोटर है, यहाँ पे भी 8 स्टेज का पंप है, ठीक है 6 का, सब सेम से है, लेकिन यहाँ पे पावर अलग हो गई, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज भी अलग अलग आई हैं, अलग अलग फिट तक मोटर चलेगी। यहाँ पे एम्पेलर की पावर ज़्यादा है, ज़्यादा फिट तक चलने वाला है, तो यहाँ पे ज़्यादा फिट तक ये वाली चलेगी, ये कम चलेगी। और यहाँ पे एम्पेलर छोटा है, V4 मोटर है, मोटर भी छोटे और एम्पेलर भी छोटा होने के कारण यहाँ पे इसकी पावर कम है, 15 फिट है, तो काफ़ी कम चलेगी। यहाँ पे फिर ज़्यादा चलाने के लिए यहाँ पे फिर आपको स्टेज यहाँ पे बढ़ानी पड़ती है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, तो हमें कमेंट जरूर कर लें। तो इस तरह से आप अपने पंप की उकाड़ सकते हैं वैल्यू की, कितने नीचे तक पंप चल सकता है, कितने गहराई तक पंप चल सकता है। और
एक चीज मैंने आपको बता दी, ये चीज हमेशा याद रखिए कि पंप के एम्पेलर्स को स्टेज को कम करने से पंप पानी ज्यादा देता है। जितने कम एम्पेलर एंड स्टेज, जितने कम स्टेज, जितना छोटा पंप उतना ज्यादा पानी, और जितना लंबा पंप उतनी नीचे से पानी वो देता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। ज्यादा नीचे से पानी लेने के लिए आपको एम्पेलर्स बढ़ाने पड़ेंगे, स्टेज बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर ऊपर चलाना चाहते हैं तो एम्पेलर्स घटते चले जाएंगे ज्यादा पानी के। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। जितना लंबा पंप, जितनी ज्यादा स्टेज, उतना कम पानी। ठीक है, और जितना छोटा एम्पेलर उतना ज्यादा पानी, पर जितना छोटा पंप उतनी ही ऊपर ये चलेगा, नीचे नहीं चलेगा। और जितना लंबा एम्पेलर, जितना लंबा पंप है उतनी ही, जितनी लंबी स्टेज है ज्यादा लंबी, तो वो नीचे ज्यादा चलेगी। ठीक है, नीचे तक का पानी खींचेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।